हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये अंडे लिए हैं और इनको उबलने के लिए रख दिया है। इसके लिए पानी में थोड़ा नमक डाल करके आपको इनको उबलने के लिए रख देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये दो प्याज, दो टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, इन सबको ले लिया है। और यहाँ पर हमारे अंडे उबल गए हैं, इनको हम अलग निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इन सारे अंडों को चिमटे की मदद से अलग बाउल में निकाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये उबल जाते हैं तो चटक जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए, इसकी स्किन अपने आप क्रैक हो गई और यहाँ पे मैंने इन अंडों को छील लिया है। अब छीलने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट काम है इनमें कट लगाना। अगर आप इनमें इस तरीके से कट लगाएंगे तो तब इनको आप फ्राई करेंगे तो उस टाइम ये चटकेंगे भी नहीं। और इससे क्या होता है कि इसका मसाला अंडे के अंदर तक बैठता है, जिससे अंडा काफ़ी अच्छा बनता है। तो आपको इसी तरीके से सारे अंडों में चाकू की मदद से कट लगा लेने हैं। तो एक अंडे में इस तरीके से चार चार मैं कट लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे अंडों में कट लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे अंडों में इस तरीके से कट लगा लिए हैं। इसके बाद हम एक कढ़ाई में लेंगे तेल और उसमें इन अंडों को बारी बारी से फ्राई करने के लिए डाल देंगे। आपको इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना ये अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे तो जल जाएंगे। तो आप इनको लो फ्लेम पर धीरे धीरे से फ्राई करें। और इनको फ्राई करते टाइम आप इनमें हल्की सी हल्दी ज़रूर डाल दें, जिससे क्या होगा कि इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने भी इस पर हल्की सी हल्दी डाली। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकती हैं, पर मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। इससे क्या होगा, इसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इन सभी अंडों को धीरे धीरे करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और हमारे अंडे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक एक करके अलग प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस पे कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ हेल्पफुल होती हैं या नहीं। तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सारे अंडों को निकाल लिया है अलग बाउल में। और यहाँ पे ये मैंने प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है, तो उसी तेल में हम ये डाल देंगे। और इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मसाला भी फ्राई हो गया है। तो इस स्टेज पर हम ये टोमेटो की प्योरी डाल देंगे। ये मैंने दो टमाटर की प्योरी बनाकर रखी थी, हम इसमें ये टोमेटो की प्योरी डाल देंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसी कटोरी में लेकर के। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। इससे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पे हमने ये डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिला देंगे और कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि ये मसाला ऑयल सेपरेट नहीं कर देता, अदरवाइज़ ये कच्चा रह जाएगा और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ऑयल सेपरेट करना चाहिए, तभी हमारा मसाला अच्छे से पकता है। तो इसको बीच बीच में हम देखते जाएंगे कि हमारा मसाला अच्छे से पका है या नहीं। तो इसको हम कवर करके जब तक पकाएंगे तब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता मसाले से। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। इसके बाद हम इसमें ये अंडे डाल देंगे।
और इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमें उतना ही पानी रखना है जितनी ग्रेवी, जितनी थिक ग्रेवी हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है। ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, छोटे गिलास थे जिसके 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि इसको हमारे चावल के साथ खाएंगे तो इसमें ज़्यादा पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ही पानी डाला है। इसको ढक्कन रख के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अंडा करी बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो यहीं पे हम गैस बंद कर देंगे। आप इसको रोटी या चावल के साथ में खा सकते हैं, खाने में काफ़ी अच्छी लगती है फ्रेंड। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी अंडा करी बन करके बिल्कुल तैयार है और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको चावल के साथ खाइए, ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारी अंडा करी बनके एकदम तैयार है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।